से लगातार। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। शुक्रवार को बवाल के बाद पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़े में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी। हालांकि किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे, साथ ही इस दौरान पुलिस किसानों के साथ रहेगी। शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। अभी पुलिस की ओर से किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है और सभी को ग्राउंड तक ले जाने की तैयारी हो रही है। पुलिस की एक टीम ने किसान नेताओं के साथ ग्राउंड तक के रास्ते को कवर किया ताकि किसान उस रूट को फॉलो कर सकें। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की मांग कर रहे थे और जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाने की अपील कर रहे थे। किसानों का कहना था कि उनके जत्थे में 5 लाख लोग हैं, ऐसे में वो बिना दिल्ली पहुंचे वापस नहीं जाएंगे। किसानों की अपील थी कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, यानी अब निरंकारी ग्राउंड में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों के लिए दिल्ली में अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से 9 स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी, हालांकि राज्य सरकार ने इसे ठुकरा दिया। दूसरी ओर किसानों की ओर से दिल्ली में प्रवेश की जिद की जा रही थी और किसी भी रास्ते वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बता दें कि कोरोना संकट में दिल्ली में एक जगह बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक है, जिसका हवाला दिल्ली पुलिस दे रही थी। किसानों की ओर से लगातार उनकी मांग पूरी की जाने की अपील की जा रही थी और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने मांग की थी कि केंद्र को तुरंत किसानों से बातचीत करनी चाहिए। वहीं किसानों द्वारा बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के कारण दिल्ली हरियाणा के रास्ते में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मेट्रो के कई स्टेशन बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।